दोस्तों, ये एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले एडवर्ड द सेकेंड, उसका पार्ट फोर्थ है, जिसके तीन पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर सुन लें। अब रानी इसाबेला को ये चिंता थी कि गैवेस्टन के चक्कर में मेरा हस्बैंड तो पागल हो गया, अगर ये नोबल्स मेरे हस्बैंड से लड़े तो उसकी तो मौत पक्की है। तो वो डर गई, रोने लगी। तब ये यंग मॉर्टिमर इसके पास में आया और आकर बोलता है कि हम आपके हस्बैंड को थोड़ी मार रहे हैं, आप हैं उनका पता बताओ, हम तो गैवेस्टन को मारेंगे। अब जैसे रानी इसाबेला ने इन्फॉर्मेशन दी, ये लोग पीछा करते करते, एक तो गैवेस्टन और एडवर्ड सेकंड अलग अलग डायरेक्शन में भागे थे, तो इन्होंने पीछा करके गैवेस्टन को पकड़ लिया, धर लिया, और अब इसको छोड़ेंगे नहीं। ये बेचारा सोचने लगा कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। अब यहाँ एडवर्ड सेकंड को जब खबर मिली कि उसके पैर गैवेस्टन को उन लोगों ने पकड़ लिया है, तो उसे चिंता हो गई कि अब गैवेस्टन की ज़िंदगी है खतरे में। ये नोबल्स इतने पागल हो गए हैं कि ये गैवेस्टन को उससे मिलने तक नहीं देंगे, उससे पहले उसे मार देंगे। तो मैंने आपको बताया, ये स्पेंसर नाम का बंदा जो इस वक्त एडवर्ड सेकंड का खास चापलूस बन गया है, बोलता है कि महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ, अगर मैं आपकी जगह राजा होता ना तो मैं उन नोबल्स की खाट खड़ी कर देता, उनकी इतनी औकात जो मेरे सामने भूल जाते हैं। महाराज, उनको तमीज़ सिखानी ज़रूरी है, अगर आप थोड़े सख्त बनोगे तो सारे लाइन पर आ जाएंगे। तो अब एडवर्ड सेकंड ने सख्त बनने की कसम खा ली। इसके चमचे नए नए सैनिकों की आर्मी बना रहे थे, भर्ती कर रहे थे, ताकि एडवर्ड सेकंड की क्या रॉयल राइट्स हैं, उसकी क्या पावर है, ये सब वो इसके चमचे पूरी दुनिया को दिखा सकें। इसने अपने चमचों को कह दिया कि तुम सबको पैसा दूंगा, जाओ जाके नोबल्स को मजा चखाओ। मतलब इस वक्त इसको जो रास्ता दिख रहा है ये कर रहा है। ये इस वक्त इतना परेशान है एडवर्ड सेकंड कि इसका साला है, फ्रांस का राजा है, उसने इसकी कई टेरिटरीज़ को सीज कर दिया है। इसका साला फ्रांस का राजा है, तो अभी इसने काफ़ी सारी टेरिटरीज़ को, इसकी एडवर्ड सेकंड की टेरिटरीज़ को सीज कर दिया है। उसकी भी इसे कोई परवाह नहीं है, इसने तो अपनी बीवी और बेटे को भेज दिया कि फ्रांस जाओ, बातचीत करके आओ, क्योंकि मैं अभी फ्रांस नहीं जा सकता, मुझे घर की उथल पुथल से ही फुर्सत नहीं है। ऐसा बोल करके इसने अपनी बीवी और बेटे को, प्रिंस को यानी कि एडवर्ड थर्ड को भेज दिया फ्रांस। बीवी इसकी समझ गई कि गैवेस्टन की परवाह है बस इसको, तो वो चली गई फ्रांस अपने बेटे को लेकर, अपने भाई के पास में। उसके जाते ही, अब दोस्तों एक्चुअली एडवर्ड सेकंड अभी गुस्सा नहीं हुआ है, इन लोगों ने एडवर्ड सेकंड का पागलपन देखा है, गुस्सा नहीं देखा। इसकी बीवी जैसे ही फ्रांस गई, उसके जाते ही पीछे से एक खबर आई कि हुजूर, गैवेस्टन अब नहीं रहा, गैवेस्टन मर गया, किसी ने उसे मार दिया। ये न्यूज़ सुनते ही एडवर्ड सेकंड तो एकदम से शॉक हो गया। अब एडवर्ड सेकंड को ये बात सुनकर बहुत झटका लगा। रीज़न ये था इसके पीछे, क्योंकि इसने नोबल से बात कर ली थी कि एक बार, एक लास्ट बार मुझे मेरे प्यारे गैवेस्टन से मिलवा दो। वो लोग मिलवाने ला ही रहे थे कि रस्ते में किसी ने उसको मार दिया। और किसने मारा? एक वार्विक नाम का बूढ़ा नोबल था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस वार्विक की यहाँ पर बात हो रही है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसे राजा का यानी कि किंग एडवर्ड सेकंड का चीफ सलाहकार होना चाहिए था, लेकिन गैवेस्टन की वजह से वो चीफ सलाहकार नहीं बन पाया, उसकी वैल्यू कोई समझ नहीं रहा था। तो ये वार्विक जो है, जिसने गैवेस्टन को मारा है, वो बहुत ही गर्म दिमाग का है, इतने गर्म दिमाग का जितना कि यंग मॉर्टिमर भी नहीं है। जिस वक्त गैवेस्टन को अरेस्ट कर लिया था, तो सब लोगों ने एक लास्ट चांस दिया था कि एक लास्ट बार किंग एडवर्ड सेकंड, क्योंकि हमारा राजा ही है, उसको और गैवेस्टन को मिलने देते हैं। रास्ते में ही वार्विक ने घात लगाकर गैवेस्टन को मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। लेकिन इस चीज़ ने एडवर्ड सेकंड को इस वक्त अंदर तक जला के रख दिया। ये न्यूज़ ने, सारे उसे देख रहे थे ये न्यूज़ सुनने के बाद में, ये क्या करेगा, कुछ बोलेगा, आह भरेगा, मर जाएगा, क्या करेगा? तो स्पेंसर ने हिम्मत दिखाई और बोला, हुजूर अब तो उठो, दिखाओ इन लोगों को कि आपकी तलवार की ताकत क्या है। तो अब मैंने आपको बताया था कि इन लोगों ने एडवर्ड सेकंड का गुस्सा अभी तक देखा नहीं। एडवर्ड सेकंड ने धरती, आकाश, अपनी लाइनेज, राजा की गद्दी, सबकी कसम खाकर कहा कि मेरे गैवेस्टन की डेथ में जो भी इन्वॉल्व है, सबकी एक एक करके गर्दन उतारो। किंग एडवर्ड अब पागल हो गया, और उसे पागल करने में सबसे बड़ा हाथ था स्पेंसर का, जो उसे भड़का रहा था। नोबल्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी कि एडवर्ड इस कल के आए स्पेंसर की बात क्यों सुन रहा है। एडवर्ड गुस्से में बोला कि किसी को मुझे बताने का हक नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम तो सबसे बदला लूँ, गैवेस्टन की डेथ तैयार हो जाओ। और इसके बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होती है नोबल्स और एडवर्ड सेकंड के बीच। ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि देखने लायक थी, बहुत खून बहा,
और आखिर जीत हुई एडवर्ड सेकंड की, उसके गुस्से की। उसने सारे नोबल्स को पकड़ लिया, धर लिया और एक एक करके गर्दनें काटने लगा। ऑफ कोर्स उन नोबल्स में सबसे पहले लैंकेस्टर की और वार्विक की बारी आई थी। किंग एडवर्ड ने, किंग एडवर्ड का खुद का भाई भी वहां पर मौजूद था, बोला, भैया हम लोगों ने गैवेस्टन को इंग्लैंड की भलाई के लिए मारा, आपकी भलाई के लिए मारा। लेकिन एडवर्ड सेकंड ने सबसे पहले उस बुड्ढे वार्विक को पकड़ा और मारने भेज दिया। सबसे पहले तो इसकी गर्दन काटो क्योंकि इसने मेरे गैवेस्टन को मारा है। नोबल्स की बहुत बुरी हालत हो गई थी क्योंकि किंग एडवर्ड अब अपने गुस्से पर आ गया। इसने सारे नोबल्स को पकड़ लिया और अब ये इनके साथ क्या क्या करता है देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।